नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीज़ा के बारे में, रिस्पॉन्सर वीज़ा के बारे में। जी हाँ भाई, रिस्पॉन्सर का मतलब क्या होता है भाई? आप किसी दूसरे के रिस्पॉन्सर के आधार पे आप रहते हैं, चाहे आप अपने फादर के वीज़ा पे रह रहे हैं, मदर के वीज़ा पे रह रहे हैं, या फिर अपने किसी ब्रदर के वीज़ा पे रह रहे हैं, किसी भी रिस्पॉन्सर के वीज़ा पे आप रह रहे हैं, उस दौरान आपको अपना रिस्पॉन्सर बदलने की ज़रूरत पड़ जाए। जी हाँ, तो उस दौरान क्या प्रोसेस आपके साथ हो सकता है, 5 टिप्स ऐसे बताऊंगा कि पूरा हम डिटेल से बात करेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से बदला जा सकता है, मेडिकल वगैरह या फिर आपका इमिरेट्स आईडी या फिर आपका वीज़ा दूसरा आप लगाओगे तो पूरे डिटेल के बारे में, इसका कितने चार्जेस वगैरह लगेंगे डिटेल से बात करेंगे। भाई हो सकता है वीडियो 8-10 मिनट का बन सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल से समझ में आ जाए। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीज़ा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सर अपना बदलना चाहते हैं, रिस्पॉन्सर का मतलब समझ गए होंगे, जिसने आपको रिस्पॉन्सर कर रखा है अपने वीज़ा पे। जी हाँ, बदलने का तरीका क्या हो सकता है भाई? आप ऑनलाइन भी बदल सकते हैं, ऑफलाइन भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आमेर वीज़ा सेंटर में भी आप जाके ये प्रोसेस कर सकते हैं। जी हाँ, या फिर आप इमिग्रेशन ऑफिस में ये प्रोसेस किया जा सकता है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी भी के लिए आप अपना रिस्पॉन्सर बदलना चाहते हैं, जी हाँ, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 5 टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जी हाँ, मान लीजिए कि आप अपने फादर के वीज़ा पे रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रीन वीज़ा का भी ऑप्शन दिया है, रिस्पॉन्सर को भी 25 साल वीए सरकार ने बढ़ा दी, अच्छी बात है। हालांकि इसमें अभी नौबत कम आएगी आपको वीज़ा बदलने के लिए, फिर भी मान लीजिए आप अपने फादर के वीज़ा पे रह रहे हैं। अगर आप लड़की हैं, सपोज़ कि एग्जांपल आपकी शादी हो गई, तो अभी आपको ज़रूरी हो सकता है कि भाई आप अपने हस्बैंड वहाँ पे पहले से जॉब कर रहे हैं, तो उनके वीज़ा पे भी आपको उनका वीज़ा लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, समझ गए बात। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप खुद वहाँ पे रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, आपको किसी कारण की वजह से कंपनी जॉब छोड़ रही है या आप जॉब छोड़ रहे हैं, कंपनी ने आपको जॉब ख़त्म कर दिया है, जी हाँ, तो उस दौरान कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करेगी, तो आपका वीज़ा कैंसिल होगा तो आपको बच्चों को भी फिर प्रॉब्लम आएगी, तो उनको भी फिर रिस्पॉन्सर बदलना पड़ेगा, समझ गए। हालांकि यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि भाई कंपनी आपका वीज़ा तब तक कैंसिल नहीं कर सकती जब तक आपके रिस्पॉन्सर, आपने जिनको रिस्पॉन्सर कर रखा है, जैसे आपके बच्चों को, उनके वीज़े तब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाते तब तक कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकती, ये एक अच्छी बात है। अब हो सकता है आपकी पत्नी वहाँ पे जॉब कर रही है, ठीक है जी, तो आपके बच्चों को वो रिस्पॉन्सर कर सकती है, यानी आपके जो बच्चे हैं आप वाला वीज़ा कैंसिल होना है तो आप उनका भी वीज़ा कैंसिल होगा, तो उनके फिर वीज़ा कहाँ लगेंगे, आपकी जो पत्नी है वहाँ पे जॉब कर रही हैं वो अपने बच्चों को रिस्पॉन्सर कर सकती है अपने वीज़ा में। जी हाँ, तब उसके बाद में कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर सकती है, पहले कैंसिल नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं भाई रिस्पॉन्सर, ऐसे तो कोई रिस्पॉन्सर नहीं कर सकता कि मैं दुबई में हूँ और मैं आपको रिस्पॉन्सर कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। जी हाँ, रिस्पॉन्सर जो पहले से वहाँ पे है उसका या तो वो कहाँ रहता है, उसका किराएदारी जो अग्रीमेंट है वो होना चाहिए, या फिर उसकी कोई संपत्ति है, उनकी कोई जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है उनके डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। जी हाँ, रिस्पॉन्सर की एक बड़ी फ़ोटो लगती है सफ़ेद कलर में, वाइट कलर में, वो फोटो उनकी होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्सर आप करोगे ना उनके डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। जी रात आईडी एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी आपके पास में होना चाहिए, रिस्पॉन्सर ट्रांसफ़र जी हाँ रिक्वेस्ट फॉर्म होता है वो भी आपके पास में होना चाहिए, एक बंदे की वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए रिस्पॉन्सर की, जो आपको रिस्पॉन्सर कर रहा है यानी आपको वीज़ा अपने वीज़ा पे रख रहा है उसकी बात कर रहे हैं भाई। वीज़ा ही जब आपका दूसरा लगेगा तो आपका मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट भी, सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, नया जो रिस्पॉन्सर है उसका वर्क परमिट की कॉपी भी लगेगी, ऐसे तो नहीं हो सकता, समझ गए बात को। उसके बाद में अगर आप चाहें तो GDRFA की जो वेबसाइट है smartgdrfa.gov.ae, इस पे भी आप डायरेक्ट अपना प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप आमेर वीज़ा सेंटर जी हाँ वहाँ पर भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं, सब ऑप्शन है भाई, 3 प्रकार के ऑप्शन है, तीनों में से जो भी अच्छा लगे उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो आपको कंप्लीट जमा करवाने होंगे, ज़रूरी जो भी उनके डॉक्यूमेंट होंगे उनको सही प्रकार से चेक करके अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, जी हाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना वो कैंसिल में आ जाएगा। जो भी आपकी फ़ीस रहेगी जो आगे मैं बताऊंगा वो फ़ीस आपको ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट करवा सकते हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है, अप्रूवल के लिए फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, जी हाँ। उसके बाद में आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, मैसेज आने का मतलब कंफर्म अप्रूवल लेने के लिए फिर आपको GDRFA में, ये अप्रूवल कंप्लीट होने के बाद में आपको GDRFA में डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद में आप रिस्पॉन्सर के नाम से वीज़ा जारी किया जा सकता है। जी हाँ,
जो भी रिस्पॉन्सर है उसके नाम से वीजा जारी हो जाएगा आपका। यहाँ पे आगे बात करें दो नंबर पे भाई, उसके बाद में आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वीजा ही जब दूसरा लगेगा, इमिरेट्स आईडी दूसरी बनेगी, तो वीजा तो स्वाभाविक बात है कि दूसरा लगना है, तो फिर मेडिकल भी दूसरा होना है। जी हाँ, यहाँ पे फिर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसके टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जो DHA में होता है, आपको पता है जो दुबई का जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। जो आपको ये देखना होता है कि आप जहाँ रहते हैं वो नज़दीक में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि DHA आपको जगह जगह नज़दीक आपके जो मेडिकल सेंटर वो मिल सकते हैं। उसमें भी भाई कैटेगरी है, जैसी आपकी कैपेसिटी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैटेगरी, यानी इसी तरीके से आपको जितना जल्दी लेना चाहें तो आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे बात करें कि 320 दरहम, जी हाँ, लगते हैं इसमें। आपको आज जैसे आपने मेडिकल कराया, उसकी रिपोर्ट 4-5 दिन में आ सकती है, जिसकी फ़ीस लगती है 420 दरहम। जी हाँ, अगर बात करें कि भाई आपको और जल्दी चाहिए तो उसकी फ़ीस लगेगी 410 दरहम, जो 48 घंटे में मिल सकती है, समझ गए बात को। और उससे भी जल्दी आपको सेम डे चाहिए तो भाई इसकी फीस ज़्यादा है, 750 दरहम है, जो सेम डे मिल जाती है, जी हाँ, तुरंत के उसी दिन। और उसकी रिपोर्ट है जो आपकी ईमेल आईडी आपसे मांगी जाएगी, उस पर वो रिपोर्ट आ जाएगी। जी हाँ, तीन नंबर पे फिर बात करें भाई, आपको जो UAE की आईडी है वो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, जो आपने आमेर केंद्र पे वीज़ा सेंटर पे वहाँ इमिग्रेशन में आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, जमा करवाए थे, वहाँ से आपको अपनी जो UAE की आईडी है वो प्राप्त करनी पड़ेगी। जी, आईडी प्राप्त करने के लिए आपको मैं बता दूं क्या प्रोसेस, कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। जैसे आपकी पूरी फैमिली है, उनकी जो UAE की आईडी बनी है वो भी आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। जो आईडी की जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। जी हाँ, और पहले जो आईडी थी आपकी, जिसमें पहले आप रिस्पॉन्सर वीजा पे थे, वो आईडी भी आपको साथ में होनी चाहिए, और आपकी विद फैमिली की जो एक फोटोग्राफ है वो भी आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। जी, अब इस इमिरेट जो आईडी है भाई, इसके चार्जेज की अगर बात करें तो बता दूं इसके चार्जेज भी लगते हैं भाई। 2 साल का होता है उसके 270 दराम लगते हैं, 3 ईयर्स का होता है उसकी लगते हैं 370 दराम। जी हाँ, ये फीस आपको वहीं पे करनी पड़ेगी। इसके बाद में 4 नंबर पे बात करें भाई इंश्योरेंस, जी हाँ, आपको पता है भाई UAE में रहने वाले हर इंसान के लिए जो इंश्योरेंस है वो मस्ट है। इंश्योरेंस के बिना तो आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, क्योंकि UAE में वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जी हाँ, ये भी आपको इसमें साथ में करवानी पड़ेगी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं भाई, 5 नंबर पर आपका सब कुछ हो गया। अब आपके पासपोर्ट में मोहर लगनी है, कौन से, वीज़ा की। पासपोर्ट में वीज़ा की मोहर तो लगेगी ना, ये आपको आमेर जो वीज़ा केंद्र है वहाँ पे आपको जाना होगा, वहाँ पे ये आपकी मोहर लगेगी आपके वीज़ा में। और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको साथ में यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे, जिसमें बात कर लेते हैं मेडिकल रिपोर्ट जो आपने पहले करवाई थी। जी हाँ, UAE का आईडी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जो जितने भी आप हैं, आपके जो जितने परिवार में फैमिली में हैं, बच्चे परिवार में सदस्य हैं, उन सब के ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लेके जाने पड़ेंगे। सबकी हेल्थ इंश्योरेंस बीमा जो करवा रखी है वो आपको वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। UAE का जो मूल आईडी, जो पहले आपके पास जो मूल आईडी थी ना आपकी, ओरिजिनल आईडी पहले वाली, जो पहले रिस्पॉन्सर था, वो भी आपको साथ में लेके जाने पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आपको सबको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। और उसके वीज़ा स्टैम्पिंग चार्ज की अगर बात करें तो भाई 3 से 4 दिन में अगर आप लेना चाहते हैं तो 460 दराम, जी हाँ, ये आपको पे करने पड़ेंगे। और बाकी अगर 1 दिन में आपको लेना है तो भाई 560 दराम, ये आपको फीस देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ में रिस्पॉन्सर जो आपको रिस्पॉन्सर कर रहा है उसको साथ में जाना पड़ेगा। जी हाँ, जो तुरंत आपको सेम डे चाहिए उसमें जाने की ज़रूरत है। बाकी अगर 3-4 दिन में लेता है तो उसको 100 दराम आपके कम भी लगते हैं, और वो अपने हिसाब से इंक्वायरी करने के बाद में वो 3-4 दिन में आपको मिल जाता है आपका वीज़ा पासपोर्ट में लग के। जी हाँ, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी भाई कि आप अगर रिस्पॉन्सर बदलते हैं तो रिस्पॉन्सर बदलने में इतना सारा प्रोसेस आपको करना पड़ता है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि भाई UAE में हर काम सॉफ्टली तरीके से आराम से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई सिस्टम इंडिया जैसा नहीं है भ्रष्टाचार वाला। समझ गए होंगे आपको, तो वीडियो, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।